तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इन्फ्रा न्यूज़। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है फ्रेंच एनर्जी ग्रुप ईडीएफ की तरफ से, जहां पे ईडीएफ ने वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया में बिल्ड करने पर सहमति दिखाई है। ये प्रोजेक्ट कुछ सालों से लोकल ओपोजिशन और न्यूक्लियर इवेंट्स के वजह से ब्लॉक थी, जिससे अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एक बार फिनिश हो जाने के बाद 7 करोड़ घर को इलेक्ट्रिसिटी देने में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हेल्प करेगी। इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 गीगावाट्स का रहने वाला है। ये न्यू पावर प्लांट को जयपुर में बनाया जाएगा, जिसके 15 साल में कंस्ट्रक्शन पूरे होने की उम्मीद है। दोस्तों अगली अपडेट कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है, जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड ने अब तक का सबसे पहला ऐसा पावर परचेज एग्रीमेंट को साइन किया है, 100 मेगावाट सोलर पावर परचेस करने का गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से। कोल इंडिया लिमिटेड का 3000 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करने का टारगेट है 2024 तक, जिसके लिए 13,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश के सीएम ने रिक्वेस्ट किया है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को वेरियस प्लांट से उनके स्टेट में इंडियन रेलवेज के ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करें, जहां पे उड़ीसा में राउरकेला से दिल्ली ऑक्सीजन टैंकर सप्लाई किए गए और झारखंड के बोकारो से भी ऑक्सीजन टैंकर को ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों अगली अपडेट दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जहां पे DRIL ने 2 न्यू रोपवेज को इंट्रोड्यूस किए हैं उड़ीसा एंड राजस्थान में, जहां पे उड़ीसा में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क से स्टार्ट होगा और बोटानिकल गार्डन तक जाएगा, और उदयपुर में SCERT हॉस्टल फतेह सागर लेक में स्टार्ट होगा और नीमच माता टेम्पल के हिल टॉप पे एंड होगा। तो दोस्तों यही था आज का डेली इन्फ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इन्फ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।